क्या बोलना चाहेंगे, क्या ऐसे मसीहा गरीबों के जो आम जनताओं की सेवा करते थे, क्या ऐसी मसीहा को हटा देना सही है? ये मैं नहीं, आप कहेंगे। हमको भी सुनने को आया कि टिकट मिस हो रहा है शेट्टी साहब का, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ टिकट मिस क्यों हो रहा है? इनको समाज रत्न का अवार्ड दिया गया, सबसे ज्यादा पॉइंट्स रेस किया गोपाल शेट्टी साहब ने, 100% अटेंडेंस दिया गोपाल शेट्टी साहब ने, तो इनको टिकट नहीं देने का? आज भी कॉरपोरेशन में और MLA लोग का काम गोपाल शेट्टी साहब आज भी ऑफिस में बैठ के करते हैं, तो इनको नहीं देने का कारण क्या है? मुझे वो पूछना था आपसे। तो आपकी आप क्या आगे का कदम क्या होगा अगर इस तरह से कुछ जो सुनने में आ रहा है टिकट कट गया? अभी हमारा पूरा साउथ इंडियन समाज में एक ही लीडर है हमारा, तो हम लोग साउथ इंडियन समाज भी है नहीं तो मुंबई में लाखों में हम लोग भी। कांग्रेस में नाज 4 आदमी MLA था, MP में हमारा पास एक ही कैंडिडेट है साउथ इंडियन सेल में, हम लोग पूरा साउथ इंडियन सेल के लिए एक भी कैंडिडेट आई नहीं, लेकिन नहीं देने का कारण क्या? सर खासदार होते हुए भी उन्होंने नगर सेवक और अंदर का काम किया है, लोगों की जो भी तकलीफें थी उसको सुनने का और उसको हल करने का काम किया है। अब अगर ऐसे सांसद का अगर नहीं होते तो लोगों पर इस वक्त क्या इफेक्ट होगा? लोग तो जमा हो गए, हजारों लोग जमा हो गए, शेट्टी साहब को बाहर फंक्शन में जाना था उनको जाने नहीं दिया, रोड पे सो गया वो लोग, शेट्टी साहब वापस ऑफिस में गया, फिर शेट्टी साहब फिर वो फंक्शन वाला का फोन आ रहा था, आज भी वो ये सोच रहे कि मैं प्रोग्राम में अटेंड करके आओ, क्योंकि आज का लिस्ट में उनको जो प्रोग्राम था वो आज भी लॉस नहीं करना चाहता, मतलब मैं आज भी जाकर प्रोग्राम अटेंड करके आओ, तुम लोग सब हट जाने का मेरे को प्रोग्राम में जाने देने का, ये होने का बावजूद भी वो अपना प्रोग्राम अटेंड करने के लिए 4 से 6 प्रोग्राम आज भी है उनका, और प्रोग्राम अटेंड करने के लिए क्या हम लोग इतना लोग इधर रुका है तो भी कुछ हुआ नहीं, लेकिन सब अपना प्रोग्राम अटेंड करने का, वो आज भी वो पार्टी के लिए काम करते हैं। मेरा तो बोलने का मतलब किस तरीके से आप देखो, आज भी वो सुबह 9 बजे ऑफिस डॉट टाइम, आप उनका टाइम देख के घड़ी में टाइम लगा सकते हैं, आज भी वो करते हैं। अभी पूरा महाराष्ट्र में आप सबसे इंडिया का लेवल में पकड़ेगा तो भी 3-4 नंबर पे इनका नाम आता है कि सबसे ज्यादा वोटिंग लीडिंग में लिया करते। इनको नहीं देने का कारण क्या है? हम लोग को तो समझ में नहीं आता। आपकी मांगे क्या है? हमारे मांगे ये है कि उनको देना चाहिए, एक टर्म तो देना चाहिए। देखो 75 एज होने के बाद भी हेमा मालिनी को दिया गया, अभी इनका 70 है, तो एक टर्म तो इनको देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? अगर नहीं देना चाहिए तो आप कारण तो बताओ, क्यों नहीं देना चाहिए, किस रीजन में उनको नहीं देना चाहिए? इनके पास कोई पॉइंट में बैठता नहीं, हर चीज में इनका पॉइंट में बैठता है, इनको टिकट क्यों नहीं देना चाहिए? मेरा एक क्वेश्चन है। भ्रष्टाचार में कभी किधर कोई पकड़ा नहीं गया, वो तो चैलेंज है उनका, उसके बारे में इनका किधर पॉइंट्स गलत है वो तो बताओ हमको कि क्यों नहीं देना चाहिए? बोला हम लोग कैसा काम करेगा? अभी हम लोग इतना साल से 40 साल से वो एक ही जगह पे बैठ के 7 टाइम इलेक्शन लड़ चुका है, एक ही जगह पे 40 साल से वो काम कर रहा है, उनको क्यों नहीं देना चाहिए? मेरा एक ही क्वेश्चन है, क्यों नहीं देना चाहिए? एक रीजन तो बता जी, आप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आज आप सांसद रहे, सांसद गोपाल शेट्टी, बताइए, बताएंगे आप ही बताएं। आप यहाँ पे आपके सामने से देखा होगा जन आक्रोश कैसा है, लोगों का प्रति उनका जो प्रेम है, जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं आपको दिख रहा है। ये सब गोपाल शेट्टी साहब ने नहीं बोला कि मेरे लिए जमा हो जाओ, लोग आपस में जमा होके लोगों में जो आक्रोश देख रहे हैं आप, मुझे बहुत अलग लेवल पे जा रहे हैं लोगों में। वो एक ऐसा नेता है जो 2-2 बार संसद रत्न जिनका मिला, इतना बड़े पैमाने पे जो अखा इंडिया में आप मोदी साहब के बाद अगर कोई ज्यादा संख्या में जीत किया तो गोपाल शेट्टी साहब है। ऐसे अगर नेता को अगर सही ट्रैक किया जाता है तो एक बीजेपी का एक अपने एक अलग वर्चस्व है। एक बीजेपी को हम इसलिए मानते हैं कि बीजेपी एक ऐसे नेता को चुनती है जो वो कभी भी एक जनप्रतिनिधि होकर जन लोगों का काम करने वाला नेता करके चुनते हैं। जो आदमी काम करता है दिन रात, वो उनको कोई भी तरह से आप किसी भी वक्त उनको फोन करो, रात को 1 बजे करो, 2 बजे करो, 3 बजे, ऐसा कोई वक्त नहीं गया कि उन्होंने फोन नहीं उठाया और रिप्लाई नहीं दिया, और कोई भी समस्या हो उधर आके खड़े रहने का उन्होंने ये नहीं किया। कोई भी प्रसंग हो, कोई भी प्रसंग के लिए छोटे से छोटा घर में आप जाएंगे, छोटा घर का भी नेता बोलेगा तो हमारे गोपाल शेट्टी साहब है। ये सरासर अन्याय हम लोग मानते हैं। अगर इस तरह का हुआ तो एक जो जनमानस में एक बीजेपी के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम को धक्का लगेगा, मैं समझता हूँ इसको। इसलिए बीजेपी ने टाइमली वरिष्ठ नेताओं ने इसका कॉग्नाइज लेना चाहिए कि इस तरह का गलत यहाँ पे नहीं हो, उनको एक अगले टर्म्स के लिए उनको एक दिया जाए, ताकि उनका काफी काम अभी पेंडिंग है। जो चीजें जो यहाँ पे जो अन्याय हो रहा था, कोई भी समस्या को देखो, झोपड़पट्टी को लेके, बिल्डिंग को लेके, इन्हें उनके लिए कोई भेदभाव नहीं रहा, कोई जात पात नहीं रहा, जो भी इंसान जरूरत है वहाँ पे खड़े है।
ऐसा नेता को हम खोना नहीं चाहते, ऐसा नेता हमारे साथ चाहिए, ये हमारी मांग रहेगी। हम दरख्वास्त करेंगे हमारे वरिष्ठों से, हम इतना ही कर सकते हैं कि उनको यहाँ पे फिर से हमको एक मिनट हमके लिए तो दिया जाए। आगे आने वाले समय में जो जो उनका काम पेंडिंग है वो एक अलग लेवल पे पैमाने पे लेके जाएंगे, हमको पूरा भरोसा है। उत्तर मुंबई को गार्डन सम्राट के नाम से उनको जाना जाता है, गार्डन सम्राट के साथ जो जो जहाँ पे जो जो सुविधा लोगों को मिलना चाहिए वो बारीकी से जानते हैं। एक सब्जेक्ट आप उनके पास लेके जाइए और बारीकी से उसका पूरा सारांश दे देते हैं। आप एक समस्या लेके जाते हो तो समस्या का पूरा निवारण कैसा है, इस आपका समस्या का आधा बात बोलने पे उनका पूरा बात उनको समझ में आता है। ऐसा नेता मैं मानता हूँ, ऐसा नेता को इस तरह से दरकिनार करना ये बिल्कुल नाइंसाफी होगा। एक सवाल है आपसे।